जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के एक डिप्टी कमांडर सहित 3 आतंकी मारे गए। इस दौरान आतंकियों के खिलाफ ड्रोन बड़ा हथियार साबित हुआ। इससे सर्च ऑपरेशन में सेना को बड़ी मदद मिली है। ड्रोन कैमरे में आतंकियों की पोजीशन और हथियार साफ साफ नजर आ रहे थे, जिसके बाद सेना ने रणनीति बनाकर तीनों आतंकियों को मार गिराया। आतंक पर वार करने के लिए ड्रोन एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। इससे सर्च ऑपरेशन चलाने में मदद मिलती है। सेना को आतंकियों की पोजीशन दिख जाती है और उसके हिसाब से उन्हें घेरा जा सकता है। 3 आतंकी इसमें हथियारों के साथ नजर आए और इसके बाद ऑपरेशन में इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। इससे काफी मदद मिलती है और निश्चित तौर पर ड्रोन एक ऐसा मारक हथियार बनकर के उभरा है, जिससे कि अब सुरक्षा बलों को ऑपरेशन ऑल आउट को चलाने में काफी आसानी हो रही है। पहला आतंकी, दूसरा आतंकी, तीसरा आतंकी, अभी मारेगा साहब। एम ले लिया, चलो एम ले लिया, मार देगा साहब। एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना सर, डाउन कर लिया। पुलवामा की इन तस्वीरों को सर आप ध्यान से देखिए। ड्रोन से लिए गई इस फुटेज में 3 आतंकवादी एक मकान के पीछे छिपे हुए हैं। इसमें आतंकियों की लोकेशन और हर हरकत पता चल रही है। सेना की ये तीसरी आंख आतंकवादियों की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। सेना के जवान और ऑफिसर पूरी सतर्कता के साथ बातचीत कर उनकी गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए हैं। डाउन कर लिया। जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी वारदात की ड्रोन से ली गई ये पहली तस्वीर है। इसमें 2 आतंकवादी ड्रोन की तरफ बार बार देखते हैं और ऊपर की ओर निशाना लगाने की फिराक में है, जबकि तीसरा आतंकवादी फोन पर किसी से बातचीत कर रहा है। सर इस साइड एक ही ऑफिसर है, 151 दूसरी साइड है सर। ओवर। ये छोड़ दे, मैंने इसको 71 को बुला लिया है, लेट हिम कम। और खेत वाली पार्टी तैनात रखो। ओवर। पूछ रहा उससे, फोन पे बात चल रही है इनकी। बता दो ये फोन पे बात। रविवार को पुलवामा जिले के पाहू इलाके में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तीनों आतंकवादियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकी लश्कर ए तैयबा के थे। इसमें लश्कर का बड़ा कमांडर भी शामिल है, जिसकी पहचान आरिफ के तौर पर हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, और ऐसे में ड्रोन एक मारक हथियार बना है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिश्टन, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ। मनीष, सेना को जो ये हथियार मिला है, निश्चित तौर पर यह क्रांतिकारी बदलाव कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद आतंकियों को ठिकाने लगाना काफी आसान हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। देखिए चंदन, हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है वो काउंटर जो टेरर है उसके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल कर रही है, और कई जो टेक्नोलॉजीज है, कई तरीके हैं, हमने इसराइल से भी सीखे हैं, क्योंकि जो इसराइली जो फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, वो बहुत लंबे टाइम से ड्रोन्स या ऐसे जो कैमरे हैं इसके जरिए वो दुश्मन का पहले रेकी करते हैं, उनकी पोजिशन पता करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। जो सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि जब आपको टेररिस्ट के लोकेशन मिल जाते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरीके से घेरना है, उस पर कार्रवाई करनी है। इससे मिनिमम जो कमांडोज हैं उनकी कैजुअलिटी होती है, क्योंकि जब आपको आतंकी या दुश्मन का पता नहीं है तो कई बार फायर आते हैं जिसमें जान जाने का जोखिम रहता है। और यहाँ पर काफी पहले से कश्मीर में
फोर्सेस यूज कर रही हैं, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं ये ड्रोन्स किस तरीके से आतंकियों को पिन पॉइंट कर रहे हैं और आतंकियों का लोकेशन हमारी जो फोर्सेज हैं उनको पता चलता है, उसके बाद वो ऑपरेशन कर रहे हैं। मेजर जनरल मेस्टन, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आतंकी भी ऊपर जो है अपने ड्रोन देख करके वो काफी हड़बड़ा गए हैं और उन्हें समझ में आ गया है कि उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है और उनका बचना मुमकिन नहीं है। चंदन बिल्कुल सही, आतंकियों को दिख रहा था, उनको पता था और उनको यह भी पता था कि अभी वो हर जगह से घिर गए हैं और इंडियन आर्मी की जो भी वहां यूनिट है वो उनको जाके खत्म कर देंगी, टारगेट कर देंगी। ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है ये कई सालों से अभी हो रहा है, शायद पहली बार आप लोग को पता चला है क्योंकि हम दोनों इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं और हर यूनिट के पास, हर इन्फेंट्री बटालियन के पास, मैं तो बोलूंगा बीएसएफ के पास भी, इंटरनेशनल बॉर्डर में सबके पास आजकल ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स बहुत ही अहमियत वाला, मैं तो इसको हथियार ही मानूंगा। वैसे तो ये सर्वेलेंस डिवाइस है लेकिन ये हमें बहुत इसमें एडवांटेज होते हैं क्योंकि देखिए कोई भी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए निहत ही जरूरी है कि हमें इंटेलिजेंस सर्वेलेंस कंटिन्यूअस 24/7 मिले, उनको ट्रैकिंग करना कहाँ पर है। और आजकल तो ड्रोन्स में ये भी कैपेबिलिटी है कि हम उनके सेल को भी, जो उनके मोबाइल सेल्स हैं उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी पिन पॉइंटेड लोकेशन मिल सकती है। तो ये जो कार्रवाई है ये हम सेना करती आ रही है, पहली बार शायद आप लोग को दिखाया गया होगा सेना ने जी, और ये बहुत इफेक्टिव कार्रवाई है। बिल्कुल मेजर जनरल कुलकर्णी, और आईबी में मेजर जनरल कुलकर्णी, अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो आतंक के खिलाफ जो काउंटर ऑपरेशन है इसमें इसकी कितनी अहमियत हो जाती है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी जो है एडवांस्ड होती है तो निश्चित तौर पर अपनी जो कैजुअल्टी है उसको कम से कम किया जा सकता है। इस पे कोई शक नहीं चंदन कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जैसे ड्रोन्स, जैसे आपने खुद कहा तीसरी आंख है, इसमें कोई शक नहीं टेक्नोलॉजी है, साइबर है, इंटरनेट है, मोबाइल्स है, प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब को सब जो साधन है जो अपने को मिलते हैं इसी से हम ये जो आप देख सकते हैं कि पिछले चार एनकाउंटर में 10 आतंकी मारे गए, चंद एक जैश मोहम्मद के हैं, कुछ एक लश्कर ए ताबा के हैं, कुछ एक टॉप मिलिटेंट्स हैं, कुछ केंद्रू जो बारामूला में मारा गया वो तो पहले से मिलिटेंट था, उसको छोड़ा फिर वो मिलिटेंट बना। तो इस तरह की जो खबरें आती रहती है, मुझे लगता है दोनों बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि लोग आकर के बताते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी है, बहुत अच्छी बात है। उसको उनको जिस प्रकार से कई बार क्या होता है कोऑर्डिनेट सर्च जो होता है वो एनकाउंटर में बदल जाता है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, कम से कम कैजुअलिटीज अपने आप को होगी, जैसे आप खुद आपके पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये जो आतंकी छुपे हुए हैं और ये आतंकी छुपे होने के कारण सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, मतलब आपको कैजुअलिटीज निल और सारे के सारे आतंकी, चाहे वो कितना भी बड़ा कमांडर हो, चाहे पाकिस्तान का फॉरेन मिलिटेंट हो, जो भी हो, सब के सब मारे जाएंगे। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सिनर्जी है, सब कोई मिलकर के, मैं जनरल साहब के साथ बिल्कुल, मेस्टन साहब जो कह रहे हैं, हम लोग सबके पास हर तरह के आले हैं, हम सब तरह के आलों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आलों का इस्तेमाल करके आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो बिल्कुल इन तकनीक, उच्च तकनीक वाले हथियारों का इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी वाले जो डिवाइसेस हैं इनका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेजर जनरल मेस्टन, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं एक डिटरेंट का भी काम करेंगी, आतंकियों को भी ये डर होगा और वो जो स्लीपर सेल वाले हैं या फिर जो हाइब्रिड आतंकियों की बात की जा रही है जो कि पिछले दिनों में हमलों में जो काफी सक्रिय रहे हैं, उनमें भी ये डर होगा कि अब आसमान में जो है एक तीसरी आंख है भारतीय सेना की जो कि उनके ऊपर नजर रख रही है। बिल्कुल सही, ये डिटरेंट है और साथ ही में देखिए सबसे पहली जरूरत तो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, दोनों बहुत कंबाइंड है, दोनों का रोल बहुत अहमियत वाला है। कई बार ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो आज की तारीख में टेररिस्ट आतंकियों को पता है कि भारतीय सेना और जितने भी वहां सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयड हैं उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। जैसे जनरल कुलकर्णी साहब ने भी बोला, ह्यूमन इंटेलिजेंस आज की तारीख में कश्मीर में बहुत अच्छी आ रही है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, तो ये एक बहुत अच्छा डिटरेंस है। वो लोग अब काफी घबराएंगे और मेरे को लगता है वो भी अपनी टैक्टिक्स चेंज करेंगे। देखिए रात में थोड़ी हरकत करेंगे, हमारे वैसे ड्रोन्स रात में पिकअप कर सकते हैं और ये अब मेरे को लगता है ज्यादा ये बिल्डिंग्स, अनऑक्युपाइड बिल्डिंग्स में जाना चाहेंगे, वहां पर जैसे कई बार पहले भी हुआ बिल्डिंग को ऑक्युपाई करके और वहां से जो ड्रोन फिर इनको पोजीशन मिल जाएगी कि हाँ अंदर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद उनको फिजिकल क्लियर करना पड़ता है और आपको पता है आर्मी की ड्रिल्स है, अटैक करते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह अंदर पार्टी जाती है, तो उसमें कुछ कैजुअलिटीज हमारी भी हो जाती हैं, पहले हुए हैं कुछ ऑपरेशंस में,
तो ये भी टैक्टिक्स चेंज करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही आपने बोला, बहुत अच्छा डिटरेंट है, ठीक है, इनके ऊपर, और इससे इनकी हरकतें मेरे को लगता है काफी कम होंगी। जी मेजर जनरल कुलकर्णी, अगर बात की जाए भारतीय सेना की, तो हथियारों में इजाफा किया गया है, हथियारों की क्वालिटी बेहतर की गई है, जैसा कि सहयोग बढ़ाया जा रहा है, इसराइल से भी जो है वेपन्स मंगाए जा रहे हैं और टेक्निक मंगाई जा रही है, क्या भारतीय सेना का जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है वो सही ट्रैक पर है, हम ये माने? बिल्कुल कोई शक नहीं है, मॉडर्नाइजेशन प्लान जो है बिल्कुल राइट ट्रैक पर है, और इस सब के मद्देनजर रखते हुए है कि अगर कन्वेंशनल वॉर में किसकी जरूरत है, इंसर्जेंसी में किस तरह की जरूरत है, टेररिस्ट को अभी आप देखिएगा जो टेक्नोलॉजी है अपने पास, कम से कम मतलब मिनिमम फोर्स अप्लाई करके आप आतंकियों को मार सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, ये जो बार बार ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, लोगों का कहना नहीं नहीं जी ये तो आतंकी थे ही नहीं, इसके पास अब आपके पास एविडेंस है, फोटोग्राफिक एविडेंस, आप बता सकते हैं ये आप कि आप जो बात कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, ये सारे के सारे देखिए आतंकी हैं जो मारे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से अपना मॉडर्नाइजेशन प्लान है, जिस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे का सारा जितना भी हम लोगों का जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारी जो रुख है बिल्कुल सही है, कन्वेंशनल के लिए भी, और इस तरह का जो हम लोग बार बार कहते हैं आतंकियों के बरखिलाफ जो हम इस्तेमाल करते हैं, इससे कि हम अपने पास एविडेंस ह्यूमन राइट वायलेशंस का फालतू का जो लोग वहां पे खड़े होकर के हल्ला करते हैं कि नहीं नहीं आप निश्चित तौर पर अब जो है एक कॉन्क्रीट एविडेंस रहता है क्योंकि इसमें पूरी वीडियोग्राफी होती है, और इस बीच चुनौती जो है काफी बढ़ भी गई है। मनीष अगर बात की जाए जब से पाकिस्तान में नई सरकार आई है उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें बहुत तेजी देखने को मिली है, 3 दिनों में 10 आतंकियों को ढेर किया गया है, तो ऐसे में चुनौतियां आने वाले दिनों में काफी ज्यादा होने वाली हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक और बात देखें तो जो बॉर्डर इलाके हैं, एलओसी के इलाके हैं, वहां जो बर्फ थी पिछले कई दिनों से, अब बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, और पाकिस्तान लगातार जो लॉन्चिंग पैड्स हैं एलओसी पर उनको वो एक्टिवेट कर रहे हैं, रीएक्टिवेट कर रहे हैं, और ये भी अभी एक लेटेस्ट इनपुट आई है कि कई जो पाकिस्तानी हैं जो अफगानिस्तान लड़ने गए थे तालिबान के साथ वो वापस आ रहे हैं, और उनको अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान से पीओके के जो टेरर कैंप्स हैं उनमें उनको देखा जा रहा है। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करेगा कि बड़े अटैक किया जाए, हमने देखा किस तरीके से जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के टारगेट करने की कोशिश की गई जिसमें जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए, तो ये एक बड़ा थ्रेट है, और इसीलिए जरूरी है कि हमारी फोर्सेस मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस रहे, हाई उनके पास लेवल के टेक्नोलॉजीज रहे जिससे वो बेहतर ऑपरेशन कर सके। जी बिल्कुल मेजर जनरल मेस्टन, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो शायद उनके लिए सबसे आसान होता है कि जो डोमेस्टिक उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ध्यान हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के मामले को उठाया जाए, और उनके प्रधानमंत्री का बयान यही आया, अपने देश में उनके खाने का ठिकाना नहीं है और वो ये बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो है उनको समर्थन जारी रहेगा, ये हमारा फर्ज है, तो ऐसे में भारत को बहुत चौकस रहने की जरूरत है आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही, हमें चौकस तो कल ही नहीं हमेशा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का एजेंडा बहुत क्लियर है, उनका टोटल फोकस कश्मीर में है, और उसके लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, अपने आतंकवाद, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। लेकिन मेरे को एक चीज अब थोड़ी ये लगती है कि आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी की एक्चुअली हालात खराब है, कारण ये है कि जो अभी हालात अफगानिस्तान में होते जा रहे हैं, आपने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी ने उधर भी जाके टारगेटिंग की है, तो जो तालिबान जो इनके साथ अलाइन थे, और मैं वहां पर कुछ जो मेरे एसेट्स हैं वो बताते हैं कि अब तालिबान भी इनके खिलाफ होता जा रहा है, टीटीपी तो इनके खिलाफ है ही बिल्कुल, लेकिन अब तालिबान भी इनके खिलाफ हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग अब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ अटैक कैसे कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी का अब फोकस एक्चुअली दो तरफ बढ़ जाएगा, एक तो खैबर पख्तूनवा और ये कुनार और ये सारे वहां पर उस तरफ कंधार वगैरह बेसिकली, और इंडिया की तरफ तो रहेगा, क्योंकि इंडिया को तो उसको होम ग्रोन अपने लोगों को बताना कि देखो कश्मीर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तानी आर्मी के साथ समस्या यही है कि उसे अपने अस्तित्व को जो है बनाए रखने के लिए भारत के साथ दुश्मनी को हवा देते रहना है, और शायद इसी वजह से चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार हो, मिलिट्री गवर्नमेंट हो, भारत के साथ दुश्मनी का जो अंदाज होता है उसमें कोई कमी नहीं आती, उसकी तलखी कम नहीं होती है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल मेस्टन और मेजर जनरल कुलकर्णी आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। मनीष आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.